Welcome to Physics Open House. You are listening to Mahavishan. Today we are discussing the topic of electricity, especially for 10th class students as per their demands. So for 10th class students, let us start electricity chapter. There are some questions given on the board. We will have the short and brief answer to every question, and we will do also extra questions. Question number 1. What are the conductors? Give their examples. So let us start. Those materials you can write which allow current to flow. This is the definition. Those materials which allow the current to flow through them are called conductors. Conductors, there are two categories. All the metals are conductors. And all alloy are conductors. Best conductor is silver. Best. Baki you can add other copper, aluminium, and so on. Lastly, you can add tungsten. Tungsten electric bulb mein use hota hai, high melting point hota hai. Alloy ke andar you can add 3 or 4 alloy. Pehla hai nichrome, dusra manganese, tisra 5-10 ton, और ये पुराना हो गया यूरेका भी ले सकते हैं यूरेका. जनरली इन तीन का यूज होता है. ऑल दीज आर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनके कंडक्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी लो. हाई कंडक्टिविटी लो रेजिस्टिविटी अभी आप बताएंगे लो रेजिस्टिविटी. इसमें रिवर्स लिख दीजिए. इसके केस में इन सबके केस में लो कंडक्टिविटी. But all the two categories, they are conductors. जो भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं लैब के अंदर यूज होता है उनमें इनका प्रयोग करते हैं. बिकॉज वी वांट मोर रेजिस्टेंस. ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगी. इसलिए हीटिंग एलिमेंट वगैरह आपके जो भी हीटर है प्रेस है उनके अंदर इलेक्ट्रिक प्रेस उनमें इनका यूज किया जाता है.
और लर्नर घर के अंदर कॉपर्टी बाइंग होती है, एल्युमिनियम की वायरिंग होती है, सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, लेकिन सिल्वर महंगा होता है इसलिए इसका यूज नहीं होता है। ये हाई कंडक्टिविटी लो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, लो कंडक्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी। जिसे क्वेश्चन नंबर वन एग्जाम्पल भी हो गया और आपका टाइप ऑफ कंडक्टर ये सेकंड भी मैंने इसमें कवर कर दिया। देयर टू टाइप ऑफ कंडक्टर मेटल्स एंड अलॉय, ये सारी बात नहीं है। दो वे वाटर अलॉय, अलॉय की डेफिनेशन यू नो वेरी वेल, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और मेटल विद नॉन मेटल। जिसको यही सॉल्व कर देता हूँ, मिक्सचर ऑफ, कई बार पढ़ते हैं अलॉय, मेटल प्लस मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल। बहुत सारे अलॉय होते हैं, बाकी केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आपका स्टेनलेस स्टील है, सोल्डरिंग है, और ये फिजिक्स में यूज किए जाते हैं, तो उनको यहाँ पर हमने लिखा है। इसलिए मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल या मेटल विद नॉन मेटल, ये डेफिनेशन हो गई। नेम थ्री देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, अभी रेजिस्टिविटी पढ़ाएंगे उस समय लिखेंगे। व्हाट आर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर क्या होते हैं, डोंट डोज मेटेरियल विच डोंट कर दे, यहाँ पर ये सब लोग कर लो, कंडक्टर या फिर इंसुलेटर हो गया। दो मटेरियल विच डोंट अलाउ करंट टू फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। बहुत सारे इंसुलेटर है, वुड इंसुलेटर है, रबर इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, इंसुलेटर है और पोर्सिलिन इंसुलेटर है। यू कैन हैव सो मेनी एग्जांपल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4-5 सेमी कंडक्टर्स। थोड़ा थोड़ा याद करना आपको, सेमी कंडक्टर तो आप डिटेल में करेंगे 12th क्लास में, अभी आपको दो ही याद करने हैं, सिलिकॉन, सिंबल एसआई और जर्मेनियम। 16 साल में इनका यूज होता है, फैब्रिकेटेड फ्रॉम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जी और भी मिलाकर के बनाते हैं डॉक्टिंग करके, बड़ी क्लास में सिर्फ आपको दो नाम याद करने हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन वैली बोलते हैं, अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, इंडिया में बंगलौर में सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम सिलिकॉन से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सिलिकॉन की क्वांटिटी हमको ज़्यादा अवेलेबल होती है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। दया लिखना है, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बोथ बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। 16 साल में इसका यूज किया जाता है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। सेमी कंडक्टर आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज करंट, अब यहाँ से शुरुआत होती है। अभी तो हमने जनरल बातें बताई आपको, व्हाट इज करंट यू नो वेरी वेल, व्हाट इज करंट आंसर इज एन लाइक इन शॉर्ट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो
of charge is current. Current symbol I se likhenge, charge ko C se likhenge Q coulomb mein, aur time ko T se likhenge time. Short mein I is equal to Q power charge upon time ke liye chota T likhenge. Ye iska formula you can write in another way, Q is equal to 0.5 I into T. ये भी दे सकते हैं, ये कूलम इसकी यूनिट, इसकी यूनिट सेकंड, इसकी यूनिट एम्पियर। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं एम्पियर को। एक्चुअल में एम्पियर की डेफिनेशन तो 12th क्लास वाली अलग है और 11th में भी है, लेकिन यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन एम्पियर, इफ वन कूलम चार्ज फ्लोज इन वन सेकेंड, इफ वन कूलम चार्ज फ्लो in 1 second, flow in 1 second, तब करंट कितनी होगी? 1 ampere. Then current means electric current will be 1 ampere. Ampere is the unit of current. मेजर करते हैं एमीटर से, अभी बताएंगे। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ये कूलम सी ओ यू एल ओ एम भी फुल भी लिख सकते हो, वन कूलम सी ओ यू एल ओ एम भी अपॉन 1 second। टेंथ वाले बच्चे ध्यान से समझ लें कि जो कुछ भी आप टेंथ में पढ़ेंगे वो सारा फिर 10th में भी पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर वहाँ ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए ये सिर्फ 10th तक का ही बताया जा रहा, आगे का नहीं बताया जा रहा। थोड़ा बहुत आगे का ही हो सकता है। ये डिफाइन कर दिया, वन कूलम चार्ज फ्लो इन 1 second, द करंट विल बी 1 ampere। जरूरत पड़ने पर फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे वाट इज करंट फॉर्मूला हो गया, यूनिट एम्पियर हो गई, यूनिट और करंट एम्पियर, 1 ampere एम्पियर। मिली एम्पियर 10^-3 माइक्रो में 10^-6 क्लॉक कर रहा हूँ, ये करंट का आंसर हो गया। कहीं जरूरत पड़ जाए मिली एम्पियर तो 10^-3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर तो किसी के साथ हो माइक्रो स्ट्रिक्स को कहते हैं, और डबल माइक्रो एम्पियर इसका दूसरा नाम भी है पीको एम्पियर, वैसे ही आपके यहाँ नहीं आएगा तो 6 × 6 = 12 हो गया एम्पियर। इनका जो जरूर होगा मिली और माइक्रो, किसी में भी मिली माइक्रो और 10^-3 मिली 10^-6 इट इज माइक्रो। ये आप 12th में आपको जरूर पड़ेगी, इफ यू वांट टू लर्न आप याद कर सकते हैं, ये दोनों जरूर करने हैं। करंट फॉर्मूला यूनिट, ये क्वेश्चन है 10 कूलम चार्ज फ्लो इन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई डू कर टो क्यू अपॉन टी, क्यू कूलम में होना चाहिए लिखा हुआ, 10 कूलम पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर जो जीवन है लिख लो, फ्लो टाइम दे रखा है 2 सेकंड, वेरी सिंपल, 2 × 10 = 5 कूलम पर चाहिए तो हम क्या कहते हैं आंसर आगे 5 एम्पियर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आई जो कर लिख क्यू कौन की, क्यू में 4 10 कूलम टाइम इज 2 सेकंड, क्रॉस कर दिया 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। अब आपको लिखा रहा हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चल रहा है। आंसर 8 लिखना चाहते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, बी से डिनोट करेंगे इसको, इट इज द
amount of work done in bringing bringing a unit positive charge from infinity, Bahadur say, to that point, upper Akundana. Formula, basically, take your point, we have a pretty class man, I have a formula, we have a formula, I have a formula. And you are telling me about electric potential difference of zero. Unit of a volt or measure karne wala voltmeter. Voltmeter. Current measure karne wala ammeter bhi batayenge. Ye voltmeter bhi aage batayenge. Electric potential difference. Thoda sa fark hai. Difference maane do point ke potential ka difference. It is the amount of work done, it is the amount of work done in giving a unit positive charge from, second line is given, from, yeah, but I'm going up, one point to another point, one point to another point. Maybe semiconductor is the amount of work done in bringing a unit positive charge from iski jagah par ye likhna hai from one point to another point. So, the two point ke potential ke difference ko kehte hain potential difference. Unit by volt meter bhi hoi unit by volt mein. One volt. Voltmeter measure the voltmeter to get the voltmeter. And it is yaw. Here after that, dollar bit definition W upon Q is equal to V. W 1 joule, 1 coulomb, 1 volt. Yeah, the B for volt. अगर एक कूलम चार्ज को लाने में एक जूल काम करना पड़ता है, तो पोटेंशियल एक वोल्ट होगा. ये इसकी हो गई फॉर्मूला और इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9. इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. If 10 volt be the car, pehle jo given hai wo likh lo 10 volt aur Q the car 10 micro coulomb. Main saath hi saath change kar deta hu, micro ko badal diya coulomb mein. Coulomb mein hona chahiye. Find out energy. Bulkin ka naam energy bhi hai. कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सबका यूनिट जूल. सबका मतलब वर्ल्ड डन. वर्ल्ड डन एनर्जी सेम थिंग. वर्ल्ड वोल्ट यहाँ जो अंतर निकालो देर वोल्ट वोल्ट दे रखा ये भी दे रखा है. डब्ल्यू अपन चेंज कर लिया हमने बी क्यू. बी वोल्ट में होना चाहिए. वोल्ट में दे रखा है टेन चार्ज कूलम में होना चाहिए. हमने बदल लिया ये आपका आ गया जूल. दो जीरो कट हो गए टेन को बनो कौन जाना है. बी शुड बी इन वोल्ट वोल्ट में दे रखा था. क्यू शुड बी इन कूलम दे रखा था माइक्रो. ये हमने लिखा दे रखा था माइक्रो. अच्छा हमने रिलीज कर दिया इसको माइक्रो में स्विच कर लो. दिस इज
Micro means 10^12 minus 6. So, half of 6 na aao, 1 kam kar do, 2 kam karke 4 ho gaya. So, 10^12 minus 4, 2, yahi par chhod do. Ye tha question number 9. State Ohm's law. ये फॉर्मूला हो गया, ये वर्ल्ड टर्म का बिजली जितनी खर्च होती है वर्ल्ड टर्म इसी को कहते हैं, कंजप्शन डिसिपेशन बहुत सारे नाम होते हैं, ये इसकी यूनिट हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर नंबर 10, ये देखिए मैं पहले बनवाना सर्किट डायग्राम एक, ये सिंबल दे रखा बुक के अंदर, वाइस टर्म के लिए सिंबल है, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, पहले सिंबल से दे रखे हैं, अब याद कर लो, वोल्ट में मेजर करता यूनिट है, नीचे मैंने लगाया हुआ है एमीटर, एमीटर करंट मेजर करता है, प्लस माइनस और करंट देने के लिए एक सेल, तो सेल बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं, तो ये मैंने बैटरी लगा दी। सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल में क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे सेल ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं, बुक में बैटरी लगा रखी है, की स्विच लिख लो या की लिख लो, और एक चेंज करने के लिए यहाँ पर रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट कहते हैं, मैंने रियोस्टेट करा RHEOSTATE, शॉर्टकट में RH भी लिखा मिलेगा कहीं पर आपको। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये स्विच ऑन है, बिंदी लगा रखी है, और ये बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से, एमीटर का पॉजिटिव इसके वोल्ट मीटर के नेगेटिव पॉजिटिव सीरियल नंबर से चलेगा इस तरह से। ये रजिस्टर है, रजिस्टेंस वोल्ट मीटर वोल्ट में नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस एमीटर करंट मेजर करेगा, ये स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, लिख लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इट स्टेट्स दैट If physical conditions, अभी बताएंगे conditions are constant, then physical condition में If you want to run, देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए और प्रेशर या स्ट्रेन, प्रेशर देख सकते हो स्ट्रेन, तार जो वायर है उसको खींचा खाची नहीं रही है, डोंट चेंज। फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर अगर चेंज हो गया है तो ओम्स लॉ का रीडिंग भी चेंज होंगी, ओम्स लॉ फेल भी हो जाएगा। It is said that if we can be a constant, then potential difference, जिसको B कह रहा हूँ मैं, across the terminals, ये terminal है, और फिर resistor या conductor कुछ भी ले लो, is directly proportional to current, proportional to current, current को I से लिखेंगे, potential difference को V से लिखेंगे, current को I से लिखेंगे, therefore V proportional to I, V equal to I R को resistance कहते हैं, R is रेजिस्टर मान रखा हुआ, यहाँ से आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई,
V upon I. V को वोल्ट में लेते हैं, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम, R की यूनिट ओम, यूनिट OHM, ओम, इसको ऐसे सिंबल ऐसे बना देते हैं, OHM, ओम। ये अगर आपको पूछा जाए कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ तो ये तो हो गया सर्किट, वैसे ये ओम्स लॉ का सर्किट है, कोई भी बना सकते हो, यहाँ पर बल्ब भी लगा सकते हो, कोई भी सर्किट में बल्ब लगा दो, क्लोज कर दो, और दो दो तीन चीज़ें जो लगाना चाहते हो कोई भी चीज़ लगा दो, एमीटर लगा दो, वोल्टमीटर लगा दो, उसे सर्किट कहते हैं। जैसे मैंने बनाया ये इलेक्ट्रिक सर्किट ओम्स लॉ का है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ये करंट की डायरेक्शन है, रेजिस्टर रीडिंग चेंज करने के लिए वैल्यू रेजिस्टेंस को वैरी करने के लिए लगाया जाता है, स्विच ऑन ऑफ के लिए लगाया जाता है, जब तक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्विच को ऑन रखिए, जब आप एक्सपेरिमेंट छोड़ते हैं तो उसको ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज ओम्स लॉ फेल हो सकता है। क्यों तो अब आपको बना रहा हूँ ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ के अंदर वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जो आपने वीडियो ली ये करंट और ये वोल्टेज, जो ग्राफ आएगा वो सीधा आएगा स्ट्रेट लाइन, जैसे आप ग्राफ प्लॉट कर दें इट विल बी स्ट्रेट लाइन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये दो कंडीशन है, वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज फेल हो जाएगा। दूसरा वी आई ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होना चाहिए, ये ओरिजिन है, जीरो जीरो, ये अगर ऐसा नहीं है मान लो यहाँ पर मुड़ गया, जैसे ये मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, यहाँ फेल हो गया ओम्स लॉ, इस रेंज में अगर मालूम मुड़ गया ऐसे तो ये फेल हो गया, यहाँ पर ओम्स लॉ फेल्स, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ये दो कंडीशन है, वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन पास ओरिजिन। तो ऐसे जो इनको ओबे करते हैं उनको कहते हैं ओमिक रेजिस्टर्स, ओ एच एम आई सी, ओमिक रेजिस्टर्स ओबे ओम्स लॉ। तो जो नहीं ओबे करते हैं या तो भी आगे आप स्ट्रेट लाइन नहीं है या ओरिजिन के पास नहीं हो रहा तो उनको कहते हैं, ये फालतू बता रहा हूं आपको, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, नॉन ओमिक रेजिस्टर में दो नाम याद कर लो, पहला है आपका सेमी कंडक्टर में, फालतू बता रहा हूं 10th वालों के लिए, सेमी कंडक्टर में वी आई ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस तरह का जीनर वोल्टेज, ये नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ज्यादा आपको डिटेल नहीं जाननी, वोल्टेज है और एक करंट है आई बोले जी ओरिजिन, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, ये ग्राफ नॉट स्ट्रेट लाइन और इलेक्ट्रोलाइट भी फेल करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसमें जब तक अंदर वोल्टेज डेवलप नहीं होता, ये वोल्टेज डेवलप हो गया थोड़ा सा, इसके बाद स्ट्रेट लाइन आता है, और ये अंदर पास नहीं होता, ये वोल्टेज इधर है और करंट इधर है,
दोनों ही नॉन ओमिक होता है। नॉलेज के लिए ज्यादा आपको टेंथ वाले बच्चों को ज्यादा नहीं करना, ये जरूर करना है। जैसे ओम्स लॉ, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम जो आपको पहले ड्रॉ कर चुके हैं, कंडीशन बता दें, फिजिकल कंडीशन, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अभी आइए आप स्टेप का है, साथ में ये भी बता दिया व्हाट आर नॉन ओमिक ओमिक रेजिस्टर्स एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। दो पार्ट में इसको चैप्टर को हम करेंगे। ये पहला पार्ट चल रहा है पार्ट वन, इसमें ट्वेल्थ भी है इसलिए लिख दिया ट्वेल्थ भी। ये बल्ब आपको फालतू अपने दिखा रखा है, ये गिलास बल्ब होता है, ये इसका होल्डर हो गया, गिलास का बना अंदर बेस होता है, उसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, ये लिख दिया टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अंदर इनर्ट गैस भरी आती है, जनरली नाइट्रोजन बढ़ते हैं, बाकी जो अच्छे वाले होते हैं हीलियम गैस भी, नियन, आर्गन, और ये इनर्ट गैसेज है, इनर्ट गैस ही जो किसी से रिएक्शन नहीं करती है। और ये आपका बल्ब है, नॉलेज के लिए वैसे भी बल्ब देख करके मन करता बनाओ जाएगा तो बना लो। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, आज यहाँ 11 क्वेश्चन ही रखे हैं, इसके बाद आगे अगले उसमें पार्ट टू में आपको दिखाएंगे। अच्छी तरह से याद कीजिए, साथ साथ याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आई नीड योर सब्सक्रिप्शन।